हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि वर्गीय के संवर्ग क्या होते हैं, जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो भी अपने जितने भी पेड़ पौधे अपने एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, उनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे समूहों में वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उनके कर्म के आधार पर उन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्गीय की संवर्ग बोलते हैं, जिनकी अपन ने पूरी की पूरी स्टडी कर ली थी, जिसमें सबसे छोटी इकाई जाति, वंश, कुल, फैमिली, जगत जो था, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे अपने जो प्लांट होते हैं, अपने जीव जंतु जो होते हैं, इनका अध्ययन अपन किस प्रकार से करते हैं और कहां कहां से करते हैं। तो जीवों का या फिर प्लांट जो पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन कहां पर किया जाता है, या तो प्रयोगशाला में लैबोरेटरी के अंदर, या फिर कहां पर बाहर जो अपना पर्यावरण होता है, अपना एनवायरमेंट होता है, वहां पर अपन क्या करते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे हर्बेरियम के ऊपर। हर्बेरियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है। अब किस प्रकार से, कोई भी जो पेड़ पौधा होता है उसका नमूना जो होता है वो नमूना एकत्रित किया जाता है, उस नमूने को कागज की एक सीट होती है, उस कागज की सीट पर चिपका दिया जाता है। नमूना मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी पत्ती ले ली जाती है और वो पत्ती किस पर चिपका देते हैं, वो पत्ती किसी कागज की सीट पर चिपका दी जाती है, उस प्लांट की पत्ती को सुखा कर परिरक्षित कर अपन वहाँ पर चिपका देते हैं। साथ में वहाँ पर क्या लिखा जाता है, उस कागज के ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है, और उस लेबल के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता है, उस प्लांट का स्थानीय भाषा का नाम, उसका वानस्पतिक नाम, उसकी पूरी की पूरी जो वर्गीकरण की प्रोसेस होती है, मतलब उसका वंश का क्या नाम होता है, उसकी जाति का क्या नाम होता है, वो किस गण से आता है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, वो सारी की सारी चीजें, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण एक साइड में लिखा हुआ होता है। इसके अलावा उसको कहां से एकत्रित किया गया है, वो प्लांट कहां का है, और किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने उसको खोजा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस पर लिखी हुई होती है, उस लेबल पर लिखी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार से हर्बेरियम जो होता है वो पूरा का पूरा बनता है। वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, वहां पर अपन प्लांट्स जो हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता चल सकता है भी ये अपन प्लांट की पत्ती को देखेंगे, वहां पर कोई भी स्टडी करने के लिए जाएगा प्रयोगशाला में तो उसका लेबल लगा हुआ होगा, उस प्लांट का जो है कोई भी नमूना वहां पर चिपका हुआ होगा उसका साइंटिफिक, तो उस नमूने को देखकर अपन पता कर सकते हैं कि ये प्लांट किसका है, उस प्लांट का स्थानीय नाम क्या है, या फिर उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सबसे पहले उसके बारे में उसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस लेबल पर लिखी हुई होती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो क्या आता है, अपना बोटनिकल गार्डन आते हैं, अपने वनस्पति उद्यान आते हैं। अब बोटनिकल गार्डन या फिर जो अपने वनस्पति उद्यान जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर जीवित पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो गार्डन होते हैं, जो वनस्पति उद्यान, क्योंकि जो अपने बोटनिकल गार्डन होते हैं, वनस्पति उद्यान जो होते हैं, वहां पर क्या किए जाते हैं, वहां पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, उन पेड़ पौधों से अपन स्टडी कर सकते हैं, वहां पर जीवित अवस्था में, गार्डन में जीवित अवस्था में पादप होते हैं, और अपना जो वो प्लांट जो अपने बोटनिकल गार्डन में वनस्पति उद्यान में लगा हुआ होता है, उस पर भी एक लेबल लगा हुआ होता है, उस लेबल पर क्या लिखा हुआ होता है, उस लेबल पर उसकी स्पीसीज, उसके कुल, उसकी फैमिली के बारे में लिखा हुआ होता है, ताकि अपन उसके बारे में पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन, पूरी की पूरी सूचना ले सके कि ये प्लांट आखिर में है किसका, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका कुल क्या है, इसकी फैमिली क्या है, ये सब इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पर होता है। ठीक है, उनकी पहचान अपन कर सके। तो ये अलग अलग जगह पर काफी प्रसिद्ध प्रकार के बोटनिकल गार्डन पाए जाते हैं, और वहां पर अलग अलग किस्म के पौधे लगाए जाते हैं, उनकी अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जातियों के पौधे लगाए जाते हैं। अगर प्रमुख बोटनिकल गार्डन की अपन बात करें तो भारत में इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा है। ठीक है, इंग्लैंड में भी है, उसका क्या नाम है, बोटनिकल गार्डन क्यू। इसके अलावा इंडिया में लखनऊ में भी है, उसका क्या नाम है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर प्लांट जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, अपने पेड़ पौधे जो होते हैं, उन पर रिसर्च की जाती है, उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट में आते हैं अपने संग्रहालय, म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम तो आपको पता होगा, ये म्यूजियम या फिर संग्रहालय जो होते हैं कहाँ स्थित होते हैं, शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय, कॉलेज जो होते हैं वहां पर स्थित होते हैं। और म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में पेड़ पौधे या फिर जो जीव जंतु होते हैं ना, उनका उनका क्या होता है, नमूने वहाँ पर होते हैं उनकी स्टडी के लिए, उनके अध्ययन के लिए। और इन पेड़ पौधों या फिर जीव जंतुओं को किसके अंदर, परिरक्षित घोल के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, कोई भी प्लांट होता है उनको कांच के छोटे छोटे डिब्बों के अंदर पैक करके रखते हैं,
उन कांच के जारों में छोटे जो अपने समुद्री जीव जंतु होते हैं वो भी परिरक्षित रखे जाते हैं, और प्लांट जो होते हैं वो प्लांट भी वहां पर सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके अलावा म्यूजियम जो होते हैं वहां पर कंकाल जो होते हैं, उन कंकालों स्केलेटन जो होते हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाता है। जीव जंतुओं के जो भी कंकाल होते हैं उनको भी म्यूजियम घरों में सुरक्षित रखा जाता है। तो अपन जो म्यूजियम या फिर जो संग्रहालय होते हैं वहां से भी पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु जो होते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनके स्केलेटन उनके कंकाल से अपन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीव होते हैं उन जीवों के अध्ययन के लिए और क्या पाए जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क पाए जाते हैं जिसे चिड़ियाघर भी बोला जाता है। और इन जूलॉजिकल पार्क में या फिर चिड़ियाघर में क्या होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं और वो वन्य प्राणी जीवित होते हैं। वहां पर उन वनों के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वहां पर अपन जूलॉजिकल पार्क के अंदर उन वन्य प्राणियों की पूरी स्टडी पूरा का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। उनके खाने का तरीका, उनके पीने का तरीका, रहन सहन या फिर किस स्पीसीज के हैं, किस जाति से समानता रखते हैं, कौन से वंश के हैं, कौन से कुल के हैं। और अपने जो ये जूलॉजिकल पार्क होते हैं, ये जो चिड़ियाघर होते हैं, इनमें वन्य जो जीव रखे जाते हैं ना उनको प्राकृतिक वातावरण जैसा माहौल दिया जाता है। इस प्रकार से उनको रखा जाता है ताकि उनको ये लगे कि वो अपने प्राकृतिक वातावरण में एकदम खुले रूप से रह रहे हैं। इसके अलावा जीव जंतु या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी स्टडी के लिए, प्लांट की स्टडी के लिए फ्लोरा पुस्तकें प्रकाशित होती है जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उस एरिया के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनके अंदर लिखी हुई होती है। नियम पुस्तिका या फिर मोनोग्राफ जो होते हैं वो प्रिंट किए जाते हैं जिनके अंदर जीव जंतु की या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उनके कुल के बारे में, उनकी स्पीसीज के बारे में, फैमिली के बारे में। तो स्टूडेंट्स अपन ने इस पॉइंट के अंदर किसके बारे में डिस्कस किया, वर्गीकी के साधन जो अपने मतलब प्लांट्स होते हैं, अपने जो जीव जंतु जो होते हैं उनकी अपन किस प्रकार से स्टडी कर पाते हैं, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से वो व्यवस्थित होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने जो मेन मुख्य रूप से अपने पॉइंट्स हमने डिस्कस किया हर्बेरियम के ऊपर, जूलॉजिकल पार्क, अपने बोटनिकल पार्क, संग्रहालय, म्यूजियम, इन सब के बारे में देखा है कि यहाँ पर प्लांट जो होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो किस प्रकार से संरक्षित रहते हैं और किस प्रकार से अपन उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो था वो कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा इस यूनिट का वो आएगा जीव जगत का वर्गीकरण, जीवों का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया गया है। अपन ने वर्गीकी के अंदर किंगडम के बारे में पढ़ा था ना, उस किंगडम के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे कि कितने जो अपने किंगडम होते हैं, कितने जगत पाए जाते हैं और जीवों को किन के बेस पर, किन लक्षणों के बेस पर क्लासिफाई किया गया है, किन लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, ये सारी की सारी चीजें अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।